लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी बात आखिरी बार कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे लिए किसी किस्म की एक्साइटमेंट भी अच्छी नहीं, चाहे वो अच्छी खबर मिलने से हो या फिर बुरी। अपना ख्याल रखो यार। अब क्या ख्याल रखना है? अरे मैं तो एहसानमंद हूं इस दिल का कि अब तक धड़क रहा है। कम से कम बेटी की शादी तक तो साथ दिया इसने। अब कोई गम नहीं, बस कुछ दिन और जी सका तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा, अपना सब कुछ बेटी और दामाद के नाम करके। हाँ भाई विजय, सब ठीक है। तू जल्दी आ जा यार, यहाँ अकेले मन नहीं लग रहा। आ जाऊंगा। नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ दे। मैंने वाकई नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ दिया है, लेकिन क्या हुआ? एक लड़की पसंद आ गई। क्या लड़की और पसंद? हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। ए तू गोपाली बोल रहा है ना, कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? अरे हाँ भाई गोपाली बोल रहा हूँ। तो मेरी तरह बेवकूफ मत बनना, लड़की का आता पता ढूंढ लेना। ठीक है। वेरी गुड। ए मैं आकर तेरी शादी की बात करता हूँ। अरे भाई मैंने बात भी कर ली और शादी भी। क्या बकवास कर रहा है तू बे? दोस्तों के साथ मजाक? मजाक नहीं कर रहा विजय, मैं हकीकत बता रहा हूँ। कहाँ मेरी कसम? तेरी कसम। ओ माय गॉड गोपाल, तूने शादी कर ली। काका जल्दी से सामान बांध दो, गोपाल ने शादी कर ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा। गोपाल मैं आ रहा हूँ। नहीं तो वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। शादी की पार्टी देगा ना? पार्टी? अरे यार जान दे देंगे तेरे लिए, तू आ तो सही, देखना क्या रिसेप्शन होगी तेरी। ठीक है विजय, तैयार है ना? ओके बाय। अरे क्या हुआ हमारी लाडली बिटिया को, रो रही है? बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें तो एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे मनचाहा पति मिला। अब तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना है, तुझे इस जिंदगी की सारी खुशियां दे दे। पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वरना मैं आपको आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा इसका। वैसे मैं रात भर समझाता रहा कि आपको साथ ले चलें, लेकिन समझती नहीं। अरे बेटा मैं कहाँ बोझ बनकर चलूंगा तुम्हारे साथ। अब इसे कैसे समझाएं? तू क्यों चिंता करती है, सब नौकर चाकर है ना, कपूर है, बल्कि कपूर और मैंने तो साथ में तीरथ जाने का फैसला किया है। निकल जाएंगे हम कुछ ही दिनों में, बस एक फर्ज था कि तेरी शादी हो जाए, सो हो गई। अब क्या है, जिंदगी के सब मकसद पूरे हो गए। अरे हाँ बेटा तुम्हारे टिकट आ गए हैं। चाहता तो था कि कुछ रोज रोक लूं तुम्हें, लेकिन जानता हूं काम छोड़कर आए हो, कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है। जी देख समझ गया। तू सुनना पहले सुन, फूल यहां से लेकर वहां तक लगाओ, मेरा दोस्त गोपाल आ रहा है, जल्दी करो। अरे सुन तो, आप लोग बातें ही करेंगे या काम भी करेंगे? अरे ना साहब जल्दी करो। अरे तू भी जल्दी कर यार। जी आप लोग क्या कर रहे हैं? फूल लगा रहे साहब। फूल लगा रहे हैं? वेरी गुड। अरे बेटा तू तो पी ले। तू जा। अरे तू खुद पी ले यार, तू जा वहां जाकर पी। अरे बेटा तू कुछ और तो खा ले। काका गोपाल को आने दो, सब मिलकर खाएंगे। बड़ा जिद्दी है। अकेला सिंह मैं टोकरी लेकर तेरे सर पे मारूंगा। मैंने बोला कहाँ रखने को? काका कमरे में। तो यहाँ क्या कर रही है यार? तू ले जा। ले जाता हूँ साहब। काका फ्लाइट कितने बजे की है? दो बजे की। लेट तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, सही टाइम पर है। समझ में नहीं आ रहा उसे मुझे एयरपोर्ट क्यों नहीं बुलाया। काका रिसेप्शन की सारी तैयारियां हो गई? हो गई। ओके खाने का सारा इंतजाम हो गया? गुड। टाइम क्या हुआ? अरे 2 बजे है। 2 गुड। काका मैंने वो जो 2 एक ही टाइप के सूट मंगाए थे वो आ गए? अरे बेटा आ गए, ऊपर रखे हैं। ग्रेट। मेहमानों को तो खबर कर दी? अरे सबको खबर कर दी, सबको फोन भी कर दिया बस। ओके फ्लाइट का टाइम तो हो गया, गाड़ी गई कि नहीं एयरपोर्ट? गाड़ी भी गई, सब कुछ हो गया। तू हमें भी परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है, तू आराम कर बस जा। अरे आराम हराम है काका, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या? गोपाल ने मुझे एयरपोर्ट क्यों नहीं बुलाया? अब ये बातें तुम दोनों जानो, मुझे नहीं मालूम। आ गया। हाँ।
मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुमने शादी कर ली। गोपाल और शादी, पत्थर जैसा इंसान पिघल जाएगा, ये तो चमत्कार है। अरे यार, हम भी तो देखें उस चांद को जिसने सूरज बनकर हमारे दोस्त को मोम की तरह पिघला दिया। या नहीं यार, तू अंदर चल के देख। क्यों, भाव खा रहा है क्या? जिस सूरज ने तेरे पत्थर जैसे दोस्त को पिघला कर मोम का बना दिया, सोच उसकी रोशनी में इस मोम की पुतली की क्या हालत होगी। भाप बन के भाप से उड़ जाएगा तू। चल तू अंदर चल के देख, ताकि कोई संभालने वाला तो हो तुझे। आइए ना, आइए आइए। घर में दाखिल होने से पहले क्या क्या रस्में होती हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद भगवान के आशीर्वाद से बड़ी और कोई रस्म नहीं। चल चल तू अंदर जा, चल। एक मिनट, आइए। आइए भगवान को प्रणाम करें। चलिए। देख गोपाल, मैंने तेरी खातिर घर को क्या सजाया। मैंने सोचा कि आज तू आएगा तो मैं बहुत झगड़ूंगा तेरे साथ, फिर यह सोचकर माफ कर दिया कि आज नहीं। लेकिन तू भी कमाल करता है यार, शादी कर लिए किसी को खबर तक नहीं दी। दोस्त भाई यार किसी को नहीं बताया, चट मंगनी और पट दिया। अरे यार, तुमने इन्हें मेरे बारे में कुछ बताया भी कि नहीं? सोच रही होंगी कि पता नहीं कौन इतनी देर से बेमकसद बकवास कर रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब मैं चुप भी कैसे रहूं ऐसे खुशी के मौके पर? अरे मेरा बस चले तो मैं दुनिया को चिल्ला के बता दूं कि मेरे दोस्त की शादी हुई। नहीं नहीं, अब ये आपका कमरा नहीं, मेरा है, और मेरा कमरा आप लोगों का है। अबे मेरा मुंह क्या देख रहा है, चलना यार। और वैसे भी मुझे अकेले को इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है। दूल्हे साहब, मैंने आपके लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है, जरा चल के देखिए तो सही। विजय, तूने तो नक्शा ही बदल लिया कमरे का। ये तो पता नहीं, तुझे अच्छा लगा? हाँ। अगर किसी चीज की कमी हो तो कह देना। नहीं विजय, सब ठीक है। अरे यार, इन्हें बैठने के लिए तो कह। बैठिए ना। अरे गोपाल, अब तो दिखा दे चेहरा अपनी दुल्हन का, हटा दे घूंघट। इतना हक तो तुझे भी है, चाहे काम तू खुद ही कर ले। मैं हटा दूं? तू माइंड तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन जरा संभाल कर, फिर ये ना कहना कि हमें खबर नहीं हुई। ओके देन, मेरा नाम विजय है, गोपाल ने बताया होगा, वो मेरा दोस्त भी है और भाई भी, तो इस नाते मैं भी आपका कुछ लगा। अफसोस सिर्फ एक बात का है, काश इस घर में कोई औरत होती, माँ बहन या भाभी, तो वो आपके आने पर तमाम रस्में पूरी करती जो मैं नहीं कर पाया। खैर, ये तो मेरी बदकिस्मती है और गोपाल की। लेकिन एक बात की खुशी है, जब मेरी शादी होगी तो मेरी रस्में पूरी करने के लिए कोई तो होगा। आप बुजुर्गों से सुना था कि जब नई दुल्हन घर में दाखिल होती है तो घर वाले उस लक्ष्मी को घर की चाबियां सौंप देते हैं। मैंने भी ये चाबियां इकट्ठी की हैं। पता नहीं कौन सी चाबी कहां लगती है, आप इनके ताले खुद ही तलाश कर लीजिए, क्योंकि आज से आप ही इस घर की मालकिन हैं। आपके हुक्म से यहां दिन होगा, आपके हुक्म से यहां रात होगी, आपके हुक्म के बिना वर्मा कॉटेज का एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। आप मलिका बनकर राज करेंगी और मैं आपका गुलाम, क्योंकि आप गोपाल की पत्नी हैं और गोपाल मेरा भाई है, इसलिए मैं यह हक रखता हूं कि आज आपका यह घूंघट उठाकर देखूं कि मेरा यार गोपाल सूरज को लाल जोड़े में कैद करके कैसे लाया है। Thank you.
इडियट, ये था वो सूरज जिसे तू लेकर आया है मेरे लिए? मुझसे मजाक किया, नौकरी का झूठ मूठ का बहाना किया मेरे लिए? सीमा, इसे कहते हैं दोस्ती और इसे कहते हैं यारी। देखा कहां से तलाश करके लाया है तुम्हें। मैं तो सोचता था कि मेरे गम और मेरे जख्मों का किसी को एहसास नहीं। अरे मैं तो कर्जदार हो गया हूं अपने यार की यारी का। तू महान है गोपाल, इतना एहसास था तुझे मेरे दर्द का। सीमा ये इंसान नहीं, इंसान के रूप में देवता है। अरे इसके चरण छुओ, इसकी पूजा करो। तू तो अपना भी गुरु निकला यार, तूने मुझे मात दे दी। अब मैं जिंदगी में तुझसे कोई शर्त नहीं लगाऊंगा, तूने मुझे हरा दिया दोस्त। सीमा को मेरे पास लाकर खरीद लिया है तूने मुझे। विजय एक मिनट, पहले तो मेरी पूरी रोक मत गोपाल, मुझे कहने दे, मन का गुब्बार निकल जाने दे। आज मैं कितना खुश हूं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तूने मेरी झोली में डाल दी। विजय तू गलत समझ रहा। विजय सीमा को मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए लाया हूं। सीमा तेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी है। नाटक नाटक नाटक, अब तो कुछ भी बोल गोपाल। विजय सच्चाई समझ गया, सच्चाई कि जिस आईने में तू अपनी मोहब्बत को तलाश कर रहा है वो एक फरेब है। अगर तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं तो सीमा से पूछ ले वो किसकी पत्नी है, तेरी या मेरी। सीमा बता दो इसे। सीमा नहीं, ये झूठ है। सीमा कह दो कि तुम दोनों ने मजाक किया है, कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। सीमा नहीं, मैं गोपाल की पत्नी हूं, वो मुझे भी आकर लाया है। विजय क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। देख मैं नहीं जानता था तू सीमा से इतना प्यार करता है, मुझे लगा कि तेरा कोई खेल है। और सीमा मुझे पसंद आ गई, उसका दिल टूटने से पहले मैंने उसे शादी कर ली। देख गलती मेरी है और मैं अब भी और इसी वक्त उसे तलाक। नहीं यार, तूने जो कुछ भी किया ठीक किया, मैं तो मजाक कर रहा था। गुड लक गोपाल। बोटे सीमा यार, विजय आज इस खुशी के मौके पर कुछ हो जाए। हाँ यार, कहाँ है विजय? अबे अंधे, विजय उधर है। हाँ विजय, आज इसमें उल्फत भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। क्यों? नहीं गोपाल, आज मैं नहीं गाऊंगा। मगर क्यों? क्योंकि आज मुझे इतनी खुशी मिली है कि मुझे लफ्जों की कमी पड़ गई। अरे हमारी शादी और विजय का गाना नहीं, नामुमकिन। आज मैं आवाज में तेरा साथ दूंगा, तू साज में मेरा साथ दे। कुछ ऐसा राग गा कि तेरे दिल की बात मैं अपनी जुबान से कह सकूं।